हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण चापुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट, योर करेंट फीलिंग्स एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। तो कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनका क्या नेक्स्ट मूव होगा, वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या नहीं चाह रहे हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके माइंड में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। और ये एक जेनरिक रीडिंग है, तो हो सकता है 100% आपके साथ ना मैच करे, लेकिन अगर ये 70-75% भी आपके साथ मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए जी शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 4 पाइल्स हैं। सबसे पहले पाइल में है रोज क्वार्ट्ज, सेकंड पाइल में है ब्लू ब्रेसलेट, थर्ड पाइल में है कैंडल एंड फोर्थ पाइल में है सिनेमन स्टिक। तो जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप आंखें बंद करके उनको विजुलाइज करें और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लें। ज़्यादा सोचें ना, ज़्यादा एनालाइज ना करें, ज़्यादा सोचेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ पे आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम ले सकते हैं पाइल को चूज़ करने में। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपने पाइल वन यानी कि पिंक क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल वन, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स कार्ड मुझे कह रहा है कि अभी थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल, थोड़ी सी एक रियलिस्टिक अप्रोच आप रखना चाह रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं। हो सकता है करेंटली कमिटमेंट, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं वही चीज बोलता है कि आप टू माइंड्स में रह सकते हैं इस चीज को लेके। एक मन आपका कहता है कि भाई कमिटमेंट मिलनी चाहिए, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके बगैर इस रिलेशनशिप में वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो खुशी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। अगर बातचीत हो भी जाती है, ये रिलेशनशिप यू नो स्टार्ट हो भी जाता है तो भी कोई फायदा नहीं है। और दूसरा मन आपका कहता है कि भले ही कमिटमेंट ना दें, भले ही यू नो सिक्योरिटी ना दें, बस वो आ जाएं, तो कहीं आप काफ़ी उनको मिस कर रहे हैं और टू माइंड्स में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बट कहीं कमिटमेंट और सिक्योरिटी, अगेन मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा एक रीज़न हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के लिए करियर भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, फाइनेंसेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आप टू माइंड्स में हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये नहीं है कि ये फीमेल्स की ही एनर्जीज हैं, कोई भी जेंडर के हों आप, उनकी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे अभी करंटली करियर, फाइनेंसेस, टैंजिबल थिंग्स, यू नो कमिटमेंट, सिक्योरिटी, ये चीज़ें अभी इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स मुझे कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी बातचीत नहीं हो रही तो कहीं आपकी दुनिया ही रुक गई है, चीज़ें सब थम गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो बहुत एक स्टक एनर्जीज में आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि भाई आप मूव ऑन कर जाएं, बट कहीं आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी भी अपने पार्टनर के ख्यालों में हैं, अभी भी आप अपने पार्टनर के लिए लव, प्यार, मोहब्बत महसूस करते हैं। और अगेन आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, बट आप कमिटमेंट, एक यू नो सिक्योरिटी भी चाहते हैं। और एट टाइम्स आपको, अगेन मैं कहूँगी कि ऐसा लगता है कि भले ही वो आपको वो कमिटमेंट ना दे बट वो आ जाएं, तो कहीं यू नो एक स्टेबल एनर्जीज आपकी नहीं दिख रही हैं, स्टक एनर्जीज हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें जैसे थम सी गई हों, एक यू नो मैं बोलूँगी कि स्टक एनर्जीज हैं अभी आपकी। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 7 of Pentacles, 7 of Swords रिवर्स एंड द वर्ल्ड रिवर्स। और यहाँ पे नीचे मैसेजेस भी हैं, ये मैं आपको अभी पढ़ के बताऊंगी। तो सबसे पहला कार्ड उनके लिए है 7 of Pentacles, और ये कार्ड मुझे कहता है कि कहीं वो सोचते विचारते दिख रहे हैं। उनके लिए हो सकता है कि यू नो एक डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके बगैर वो बहुत अधूरा महसूस करते हैं, उनको ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है आपके बगैर, और काफ़ी आपको मिस करते हैं, लो एनर्जीज में भी दिख रहे हैं। हो सकता है किसी भी
चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर रहे हों, अगेन उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि कहीं चीज़ें रुक गई हैं, जैसा हमने आपके लिए देखा। और यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड भी है, और ये कार्ड चीटिंग का कार्ड होता है, तो ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। कुछ पाइलवंत को ऐसा लग सकता है कि भाई आप उनके साथ फेयर नहीं थे, कुछ पाइलवन के पार्टनर को सॉरी ऐसा लग सकता है कि आप उनके साथ फेयर नहीं थे, शायद उनको इस रिलेशनशिप में जो चाहिए था वो नहीं मिला और उनके साथ कहीं एक चीटिंग हुई है। और कुछ पाइलवन के पार्टनर के लिए मुझे दिख रहा है कि कहीं वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, कहीं वो एक एस्केपिज़म वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं। और आपके लिए हमने देखा अभी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में चल सकती है, जो एक डायरेक्शन उनको चूज करनी है, जो एक डिसीजन उनको लेना है, तो इसके लिए कहीं वो भी थोड़े से एक मैं कहूँगी कि सोचते विचारते दिख रहे हैं, थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट डिसीजन उन्होंने भी लेना है। आप टू माइंड्स में दिख रहे हैं, तो वो भी किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेना है उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि भाई वो इस रिलेशनशिप में वापस आए नहीं आए, या ये रिलेशनशिप में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली सेवन ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाह रहे हैं, कहीं उनकी इंटेंशंस भी बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे ट्रू इंटेंशंस का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि हो सकता है कि वो अपनी ही फीलिंग्स, अपनी ही इंटेंशंस के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो वाकई में आपसे बहुत प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, वो वाकई में इस रिलेशनशिप को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब आप उनके साथ नहीं होते तो वो आपको मिस करते हैं, उनको एक अधूरापन लगता है, बट कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लेना नहीं चाहते हैं। तो कहीं अभी जो उनकी करंट एनर्जीज है वहाँ पर वो अपनी ट्रू इंटेंशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि भाई वो आखिर क्या चाहते हैं। और यहाँ पे आई एम डन, इट्स फिनिश्ड फॉर मी, तो हो सकता है ऐसे भी ख्याल उनको आते हों कि भाई ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है और इस रिलेशनशिप में अभी कुछ बचा नहीं है, बट फिर भी वो कौन सी डायरेक्शन चूज़ करें उसके बारे में भी सोचते हैं। और यहाँ पे आई वॉन्ट टू डू थिंग्स द राइट वे फॉर यू, तो हो सकता है कि आपकी तरफ से अगर कुछ इश्यूज आए हैं या उनकी तरफ से भी आए हैं और एक डिस्टेंस जो आया है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, तो कहीं डीपर लेवल पे वो ये सोचते हैं कि भाई मैं सही तरीके से चीज़ें करना चाहता हूँ और जब तक चीज़ें सही नहीं होंगी इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अगर इन नटशेल में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूँ तो मुझे दिखता है कि वो आपको मिस करते हैं, आपके बगैर उनको अपनी ज़िंदगी अधूरी लगती है, बट कहीं वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस और अपने प्यार के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, कहीं ट्रू इंटेंशंस उनको अपनी ही नहीं पता। कई बार क्या होता है, हम किसी को प्यार करते हैं लेकिन हम खुद से भी नहीं कहते, क्योंकि हमें कमिटमेंट से डर लगता है, हमें एक लॉन्ग टर्म चीज से डर लगता है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही हैं, डेफिनेटली वो भी एक क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हैं जहाँ पे उनको डिसाइड करना है कि भाई वो क्या करें, क्योंकि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपके ख्याल उनके मन में आते हैं। और अब देखते हैं पाइल वन की आपके पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो इसके लिए यहाँ पे कार्ड्स हैं सन रिवर्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ सोल्स। यहाँ पे मिनी से हमारे पास कॉफिन है, लिली है, द मून है। ये मैसेजेस मैं आपको बाद में पढ़ के बताऊँगी। तो यहाँ पर अगर देखें कि उनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, उसके लिए सबसे पहला कार्ड है द सन। तो कहीं वो एक क्लैरिटी लेकर आएंगे अपने माइंड में, और हमने यहाँ पे देखा भी था कि वो अपनी ट्रू इंटेंशंस को जानना चाहते हैं कि वो ट्रूली क्या फील करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो कहीं नेक्स्ट एक्शन उनका यही रहेगा कि वो अपने माइंड में एक क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, और क्लैरिटी में उनको ये एक रियलाइजेशन हो रही है कि आप उनको इंस्पायर करते हैं। यू इंस्पायर मी का कार्ड है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो, तो उनको ऐसे लगता है जब आप उनके साथ होते हैं तो वो बहुत ग्रेट फील करते हैं, बहुत सेफ, बहुत सिक्योर फील करते हैं और कहीं बहुत कंप्लीट भी फील करते हैं। हमने यहाँ पे देखा भी था कि द वर्ल्ड कार्ड में वो बहुत इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं आपके बगैर। तो ये एक क्लैरिटी वो लेकर आ रहे हैं अपने माइंड में। यहाँ पे जस्टिस एंड
किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज करेंगे वो, जो भी उनका नेक्स्ट स्टेप होगा, जो भी उनका नेक्स्ट एक्शन होगा वो लॉजिक और माइंड पे बेस्ड होगा। वो इसलिए नहीं आपके पास आएंगे क्योंकि वो बहुत प्यार बहुत मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, इनफैक्ट वो बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और शायद यू नो वो वापस अगर आते भी हैं तो यहाँ पे आई वेटेड ऑल माई लाइफ टू फाइंड यू, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आपके जैसा इंसान उनको दोबारा मिलेगा नहीं, मतलब आपके जैसा इंसान इस दुनिया में नहीं है, या जैसा इंसान जैसा पार्टनर उनको चाहिए था वो आप हैं और आपका जैसा कोई उनको मिलेगा नहीं, अगेन मैं कहूँगी। तो ये एक यू नो रियलाइजेशन उनको हो रही है और बहुत ज़्यादा लॉजिकली माइंड से इन चीज़ों को समझते हुए अगर वो आते हैं तो इस रिलेशनशिप में आएंगे और आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। यहाँ पे लेट मी इन, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट हर्ट यू। तो अगर पाइल वन आपके पार्टनर ने पीछे आपको हर्ट किया है तो कहीं डीपर लेवल पर वो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई एक बारी अगर आप मुझे अच्छे से आने दें तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा। यहां पे कॉफिन का कार्ड है तो हो सकता है कि काफी चीजें वो एंड करेंगे। और लिली एंड मून के कार्ड्स मुझे कहते हैं कि एक मैच्योरिटी बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है। और अगर मैं कहूं कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, 100% मैं नहीं कहूंगी बट काफी सारे चांसेस हैं कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। बट अगेन बहुत वाइजली सोच समझ के और बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन अभी हो रही है या होएगी कि भाई आपके जैसा और कोई इंसान उनको नहीं मिलेगा और आपके साथ वो बहुत सेफ बहुत सिक्योर फील करते हैं। तो ये थी पाइल वन आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल टू यानी कि ब्लू क्रिस्टल ब्रेसलेट वाला पाइल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल टू। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स बहुत ही मिक्स सी चीज़ बता रहे हैं। एक तरफ हो सकता है कि आप उनके लिए बहुत एंथुजियास्टिक हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उनका वेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ पाइल टू बहुत इनिशिएटिव भी लेना चाहते हो उस डायरेक्शन में, बहुत एक्शन भी लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मुझे कह रहा है कि शायद आप उतने एक्शन उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ पाइल टू के लिए हो सकता है कि वो किसी भी तरीके का रिस्क, किसी भी तरीके का चांस इस रिलेशनशिप के लिए, इस लव लाइफ के लिए ले सकते हैं, लेकिन अगेन नहीं ले पा रहे हैं। जितना यू नो मैं बोलूँगी कि इनिशिएटिव एक्शन आप लेना चाहते हैं उतने नहीं ले पा रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और भी है। कुछ पाइलटों के लिए हो सकता है कि वो मैरिड हैं इसलिए कहीं यू नो इतने इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। कुछ पाइल टू के लिए हो सकता है उनकी एंगेजमेंट हो गई है इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। कोई और उनकी लाइफ में आ गया है बट फिर भी आपके मन में उनके लिए एक एक्साइटमेंट है, एक एंथुजियाज़म है। कहीं किसी माइंड के कोने में आपके मन में उनका इंतज़ार, उनके ख्याल, उनकी बातें रहती हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर की अगर कार्ड्स देखें तो यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। नीचे ये मैसेजेस मैं आपको अभी पढ़ के बताऊंगी कि क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स कार्ड सबसे पहली चीज़ मुझे बोलता है कि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ऑपोजिट यू नो जेंडर के लोगों से ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, हेल्दी फ्लर्टिंग हो सकता है कर रहे हों, या इन अदर वर्ड्स में कह सकती हूँ कि उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है जिसके साथ वो फन मज़ा मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं पेयर हैं और एक दूसरे को देखते हैं, तो कहीं यू नो उनके ख्यालों में या उनके मन में भी आप रहते हैं। वो आपको हो सकता है सोशल मीडिया पे देखते रहते हों, स्टॉक करते रहते हों, और कहीं यू नो इतने सारे और लोगों के होने के बावजूद, या मैं कहूँगी कि कोई और एक स्पेशल होने के बावजूद, आप उनके मन में उनके दिमाग में रहते हैं। और नीचे यहाँ पे मैसेजेस में भी ये कार्ड बोलता है, माई हार्ट होल्ड्स
वर्ड्स आई डोंट नो हाउ टू से, तो हो सकता है बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे करना चाहते हैं जो शायद नहीं वो कर पाए पहले, तो कहीं अगेन बहुत सारी चीज़ें उनके मन में हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं जिसके लिए उनके पास शब्द नहीं हैं या शब्द नहीं मिल रहे हैं। इन अनदर वर्ड्स वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, उनकी सिचुएशन ऐसी हो कि वो चाह के भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, या अभी उनको ऐसा लगता हो कि भाई ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों एक साथ रहें या आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में आएँ या वो आपसे कॉन्टैक्ट करें। और यहाँ पे नीचे मे बी का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि मे बी यू नो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो मिल सकते थे, ऐसा सिचुएशन नहीं होती तो शायद वो इनिशिएटिव लेते, वो आपसे बात करते, वो आपको कांटेक्ट करते। तो यहाँ पे मे बी कहीं एक चीज़ हमें बताता है कि इतने श्योर नहीं है चीज़ों को लेके, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं। और कहीं यहाँ पे आई केप जस्ट समथिंग फॉर यू कार्ड का हमें कहता है कि कहीं यू नो आपके लिए कुछ उन्होंने रखा हुआ है, और आपसे अगेन मैं यही कहूँगी कि बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कहीं आपके अलावा कोई और भी उनकी लाइफ में है, या हो सकता है कुछ पाइल टू के पार्टनर्स या जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो काफ़ी सोशलाइज कर रहे हैं, काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, हो सकता है वो आपकी तरफ से अपना माइंड हटाना चाहते हों, इसलिए ही ऐसा कर रहे हों, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं और सोशल मीडिया पे आपको भी काफ़ी स्टॉक करते हुए, काफ़ी फॉलो करते हुए भी दिख रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल टू की नेक्स्ट उनका क्या मूव रहेगा, और उसके लिए हमारे पास सबसे पहले कार्ड्स हैं जजमेंट रिवर्स, फाइव ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स। नीचे ये मैसेजेस हैं, ये मैं आपको बाद में पढ़ के बताऊंगी। मिनी से हमारे पास है क्रॉस, राइडर एंड बर्ड्स। तो पाइल टू देखें कि नेक्स्ट वो क्या एक्शन लेंगे, तो उसके लिए सबसे पहला कार्ड है जजमेंट रिवर्स, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। नीचे यहाँ पे आर लव स्टोरीज अनफिनिश्ड का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई ये लव स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, चीज़ें फिर से शुरू होंगी। और यहाँ पे जजमेंट रिवर्स भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि एक नई बिगनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स के भी कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, जो भी पल उन्होंने बिताए हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हीं ख्यालों में डूबे रहते हैं। हो सकता है कि कुछ पाइल टू के पार्टनर से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं पीछे, और उसका रिग्रेट उनको है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। तो अगेन यू नो कुछ रिग्रेट्स उनको अभी दिख रहे हैं, और कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यहाँ पे वीकेंड ट्राई अगेन का भी कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि वो फिर से एक बारी कोशिश करना चाहते हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए, और हो सकता है वो आपको कहना चाहते हों कि भाई एक बारी और हम कोशिश कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। यहाँ पे यस का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि शायद आपकी तरफ से एक पॉजिटिव इंडिकेशन की वेट कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि ऐसा माहौल हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जहाँ पे फिर से आप लोग मिलें, फिर से आप लोगों की बातचीत हो, फिर से चीज़ें शुरू हों। लेकिन कहीं यहाँ पे जजमेंट रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि वो चाह तो बहुत ज़्यादा रहे हैं एक नई बिगनिंग के लिए, बट कर नहीं पा रहे हैं या करेंगे नहीं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और यहाँ पे कार्ड्स मुझे कह रहे हैं रिलीजन, सोसाइटी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। यहाँ पे बर्ड्स का भी कार्ड है, हो सकता है कि वो लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हों, इतना उनके अंदर करेज ना हो, इतना उनके अंदर हिम्मत ना हो लोगों को फेस करने के लिए। तो कहीं यू नो सोसाइटी, रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर रह सकता है जिसकी वजह से वो एक नई बिगनिंग नहीं कर रहे हैं। लोग एक बहुत बड़ा फैक्टर रह सकते हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा डरते हैं। और यहाँ पे राइडर का कार्ड भी अगेन वही चीज़ बोलता है कि वो आपके
आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बट कहीं मुझे नहीं दिख रहा पाइल टू कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे या इस डायरेक्शन में कोई भी एक्शन लेंगे। दो, वो आपको बहुत मिस करते हैं, नई बिगनिंग करना चाहते हैं, बट कोई भी एक्शन उस डायरेक्शन में लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये थी पाइल टू आप लोगों के लिए रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने पाइल थ्री यानी कि कैंडल वाला पाइल चूज किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल थ्री, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स एंड टेम्परेंस के कार्ड्स हैं, और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि आपके मन में काफ़ी इमोशंस, काफ़ी फीलिंग्स, काफ़ी लव, प्यार, मोहब्बत है उनके लिए, और हो सकता है कि यू नो आप इमोशनली लो भी फील कर रहे हो, अभी उनको काफ़ी मिस कर रहे हो। यहाँ पे लवर्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके सोलमेट हैं, आप चाह के भी उनको अपने माइंड से, दिल से, दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, और मिसकम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रीज़न रह सकता है। आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आया है या डिस्टेंस आया है, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप उनके साथ एक यूनियन चाहते हैं, आपको हरदम उनका वेट रहता है, उनका इंतज़ार रहता है, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे, और बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि एक वेट रहता है, एक वेटिंग और अलाउइंग वाली एनर्जीज आपकी करेंटली मुझे दिख रही हैं। या फिर हो सकता है कि पीछे आपने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा की है, बहुत एक्सेसिव करी है, हो सकता है आपने अपनी इमोशंस, अपना लव, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्रेस करा है, और कहीं अभी आप एक बैलेंस लाना चाहते हैं, बट यहाँ पे लवर्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप वो बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, और वो किसी भी तरीके का बैलेंस हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने माइंड और हार्ट का ही एक बैलेंस लेकर आप आना चाहते हो, आपने बहुत ज़्यादा हार्ट से काम लिया है पीछे, और अभी आप एक बैलेंस लाना चाहते हैं, हार्ट एंड माइंड का नहीं ला पा रहे हैं। या हो सकता है जो आपने लव बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्रेस किया है, उसमें अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके एक बैलेंस लाना चाहते हैं। और अब देखते हैं पाइल थ्री की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। नीचे ये मैसेजेस हैं जो मैं आपको बाद में पढ़ के बताऊंगी। तो आपके पार्टनर के लिए अगर देखें पाइल थ्री, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नाइन ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा फिक्र, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वो ले रहे हैं अभी करेंटली। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उनकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपसे उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है, आपसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जीज में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे पाइल थ्री के पार्टनर्स को रात को अच्छे से नींद भी ना आ रही हो। नीचे यहाँ पे आई एम कमिंग बैक टू यू का भी कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनको लगता है बस कुछ भी हो, कैसे भी यू नो वो आपके पास वापस आ जाएं, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र कर रहे हैं। आई डोंट नो उनके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या सिचुएशन है, नहीं आ पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि वो क्या एक्शन लेंगे। बट अगर हम एनर्जीज उनकी चेक करें तो यहाँ पे वो आपके पास बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आना चाह रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स भी मुझे यही कह रहा है कि बहुत स्पीड से आपके पास आना चाह रहे हैं, बट कहीं नहीं इतनी स्पीड दिखा पा रहे हैं। उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जिस स्पीड से वो आपके पास आना चाहते हैं उतनी स्पीड से नहीं आ पा रहे हैं, उतना इनिशिएटिव, उतना एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नीचे यहाँ पे एंडिंग्स मेक नेसेसरी बिगनिंग्स का कार्ड है, और उनको लगता है कि जो भी एंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है पीछे, और वो ज़रूरी थी, और उसी से ही एक नई बिगनिंग होगी, बहुत ही खूबसूरत एक शुरुआत होगी इस रिलेशनशिप की। यहाँ पे द स्टार एंड योर लव अपलिफ्ट्स मी के भी कार्ड हैं, तो कहीं यू नो आपके साथ वो होते हैं तो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, या मैं कहूँगी कि उनके मन में बहुत ज़्यादा एक अनकंडीशनल लव है आपके लिए, अनकंडीशनल प्यार मोहब्बत है उनके
मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको लव करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको देना चाहते हैं इस लव में, इस रिलेशनशिप में। ये कार्ड भी हमें वही चीज़ बोल रहा है, योर लव अपलिफ्ट्स मी। तो आपका प्यार उनको अपलिफ्ट करता है, उनको बहुत एक अच्छी फीलिंग देता है, बहुत एक ग्रेट एनर्जीज में वो रहते हैं जब आप उनके साथ होते हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखूं आपके पार्टनर की एनर्जीज, तो वो किसी चीज़ की बहुत फिक्र कर रहे हैं, ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपसे बातचीत नहीं हो पा रही, इसलिए बहुत एक स्ट्रेस, बहुत एक टेंशन ले रहे हैं, स्पीड से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उतनी स्पीड से नहीं आ पा रहे हैं। और कहीं बहुत पॉजिटिव भी हैं, और हो सकता है कि कोई डायरेक्शन भी अभी करंटली देख रहे हों कि कैसे आपके पास वो वापस आए। और आपका प्यार बहुत ही एक अपलिफ्टमेंट, या मैं कहूंगी बहुत ही एक ग्रेट एनर्जीज उनकी लाइफ में लेकर आता है। और अब देखते हैं पाइल 3 की आपके पार्टनर का क्या नेक्स्ट मूव रहेगा। और उसके लिए हमारे पास कार्ड्स हैं 6 of Pentacles, 9 of Cups रिवर्स एंड 6 of Wands। नीचे ये मैसेजेस मैं आपको बाद में पढ़ के बताऊंगी। और यहाँ पे मिनी से हमारे पास है एंकर, मैन एंड फॉक्स। तो पाइल 3 अगर देखें कि उनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, तो सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पे कह रहा है हेल्प मी ब्रिंग माय वॉल्स डाउन स्लोली। तो हो सकता है कि पाइल 3 वो आपके पास आना चाहते हैं। हमने उनकी एनर्जीज देखी और बहुत ही क्लियरली यहाँ पे हमने इस कार्ड में देखा कि वो आपको कह रहे हैं आई एम कमिंग बैक टू यू, वो आपके पास आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं। बट कहीं हो सकता है कि कुछ हर्डल्स हैं, कुछ वॉल्स हैं। ये वॉल्स कुछ भी हो सकती हैं, किसी भी तरीके की हो सकती हैं। कभी कभी हमारे माइंड की क्रिएटेड होती हैं ये जो एक ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हर्डल्स होती हैं, या हमारे माइंड की क्रिएशन होता है। कभी कभी सोसाइटी, किसी और की भी वजह से होती हैं। तो कहीं वो आपको ये कहना चाहते हैं कि भाई मेरे को आप हेल्प करें इन वॉल्स को स्लोली स्लोली नीचे करने के लिए। और अगर मैं देखूं कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि डेफिनेटली वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। 6 of Wands बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि वो आपके पास आएंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे मिल भी सकते हैं। यहाँ पे 6 of Pentacles का कार्ड भी मुझे यही कह रहा है कि शायद कोई चीज़ अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाह रहे थे बहुत टाइम से, तो वो आपको दे सकते हैं और देना चाहते भी हैं। और कहीं एक बैलेंस भी इस रिलेशनशिप में लेकर आएंगे। हमने आपके कार्ड्स में देखा कि कहीं एक बैलेंस लाने की भी ज़रूरत है आपकी तरफ से। तो कहीं हो सकता है वो इस बैलेंस की भी बात कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ पाइल 3 के पार्टनर लिटरली एक बेगिंग वाली एनर्जीज में रहें कि भाई प्लीज़ आप उनकी लाइफ में आ जाएं। तो ऐसा भी कुछ पाइल 3 के पार्टनर कर सकते हैं। और ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहे हैं कि वो आपके पास आएंगे, इनिशिएटिव लेंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। 9 of Cups रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप उनके लिए एक विश हैं, एक डिज़ायर हैं जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और उस डायरेक्शन में अगेन मैं कहूँगी कि एक एक्शन लेंगे। और यहाँ पे हैप्पीली एवर आफ्टर डज हैपन कार्ड भी यही कहता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और आप दोनों अगर अब साथ रहेंगे तो हमेशा के लिए रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एंकर का कार्ड भी कहीं स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की ही बात करता है। और अब जब वो आएंगे तो एक स्टेबल एनर्जीज, एक सिक्योरिटी लेकर आएंगे। और हो सकता है एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपसे भी चाहें, एक कमिटमेंट आपसे चाहें या आपको दें। कहीं अगेन मैं कहूँगी Happily ever after does happen, तो वो happily ever after के लिए ही आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है अगेन कुछ fears हैं। What if का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं कुछ चीज़ों को लेके वो श्योर नहीं हैं। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है। उनको कोई fear हो सकता है What if कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। What if कि हमें आपने उनको कमिटमेंट नहीं दी। What if कि कोई भी चीज़ हो सकती है। तो एक फियर, एक इनसिक्योरिटीज़ उनकी तरफ से ज़रूर दिख रहे हैं। और यहाँ पे फॉक्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं किसी तरीके की एक मैनिपुलेशन भी वो कर सकते हैं इस प्यार को पाने के लिए, इस मोहब्बत को पाने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें पाइल 3 तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आपको कॉन्टैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। और इस बारी जब भी वो आपके पास आएंगे तो वो कहीं कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या तो चाह रहे हैं या आपको दे रहे हैं।
तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 4 यानी कि सिनेमन स्टिक वाला पाइल चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 4। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। आपके लिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। हाई प्रीस्टेस रिवर्स मुझे कहता है कि जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, जब आप दोनों की बातचीत होती थी, हो सकता है आपने इतना एक्साइटमेंट, इतना एंथुजियाज्म अपने पार्टनर को नहीं दिखाया, या मैं कह सकती हूँ कि आप इतने एक्साइटेड, इतने एंथुजियास्टिक इस रिलेशनशिप के लिए नहीं थे। हो सकता है कि जब आपके पार्टनर इनिशिएटिव लेते थे या कोई एक्शन भी लेते थे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप उनको इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते थे। कहीं आपने अपने आप को बैक सीट पे रखा। कुछ पाइल 4 के लिए हो सकता है कि उन्होंने कुछ या काफ़ी सारी चीज़ें अपने पार्टनर से छुपाई, उनको क्लियरली उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है वो नहीं बताया, या अगेन हो सकता है कि कोई चीज़ अपने पार्टनर से छुपाई और इस वजह से एक मिसट्रस्ट भी इस रिलेशनशिप में आया। और ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आया है, और भी कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन हाई प्रीस्टेस रिवर्स मुझे यही चीज़ें बताती है। और अभी करेंटली आप बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं उनके लिए। हो सकता है कि बहुत सारे पाइल 4 अभी इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, काफ़ी मैसेजेस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, और काफ़ी हो सकता है अपना लव, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत भी एक्सप्रेस कर रहे हों। और अब देखते हैं पाइल 4 की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। और आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। और ये मैसेजेस मैं आपको बाद में पढ़ के बताऊंगी। तो आपके पार्टनर के लिए अगर देखें पाइल 4, तो यहाँ पे दोनों ही पेजेस के कार्ड्स हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी इस पूरी रीडिंग में 3 पेजेस के कार्ड्स हैं, और ये मुझे कहते हैं कि एक इमैच्योर एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से हो सकती हैं, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती हैं, ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए 2 पेजेस के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि इतने एंथुजियास्टिक, इतने एक्साइटेड वो मुझे नहीं दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, आपको फिर से कॉन्टैक्ट करने के लिए। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मुझे कहता है करियर उनका एक मेन फोकस हो सकता है, कि अभी है पढ़ाई एक मेन फोकस हो सकता है, फाइनेंसेस एक मेन फोकस हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है वो लव रिलेशनशिप में दोबारा ना जाना चाहते हों। और कहीं वो अगेन मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा आपको कॉन्टैक्ट करने के मूड में, या इतना ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स भी है, और ये कार्ड मुझे कहता है कि कहीं हो सकता है कि एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी है। हो सकता है पीछे उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए, काफ़ी एक्शन लिए, काफ़ी आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस भी किया, लेकिन यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद आपने इतना उनको वापसी नहीं दी, और अभी वो थोड़े से डरे हुए हैं। उनको लगता है कि भाई पता नहीं फिर से ये रिलेशनशिप शुरू होता है तो वो हर्ट होंगे, या आपकी तरफ से उनको इतना लव ना मिले, या जो वो चाहते हैं उनको ना मिले, इसलिए एक एक इनसिक्योरिटीज़ और फियर भी उनकी तरफ से दिख रहा है। यहाँ पे कीप एन ओपन हार्ट एंड फ्यू मंथ्स का भी कार्ड है। कीप एन ओपन हार्ट कहता है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई दिल बड़ा रखना चाहिए, अगर आप आते हैं तो भी ठीक है, और अगर ये रिलेशनशिप नहीं भी आगे बढ़ रहा है और नहीं भी चीज़ें पहले ऐसी होती तो भी ठीक है। कहीं वो अपना दिल बहुत बड़ा रख रहे हैं, कहीं मुझे दिख रहा है कि इस चीज से, इस रिलेशनशिप से ओवरकम करना चाह रहे हैं। और अ फ्यू मंथ्स का कार्ड मुझे कहता है कि शायद वो ऐसा सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा अगर वो अपने आप को टाइम देते हैं तो वो इन एनर्जीज़ में से, इस रिलेशनशिप में से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। आई ड्रीम अबाउट यू ऑफन का कार्ड मुझे कहता है कि दो वो इतना ज़्यादा वापसी इस रिलेशनशिप में आने के या कॉन्टैक्ट करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, बट फिर भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके उनको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ओवरऑल अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखूँ तो मुझे एक इमैच्योर एनर्जीज़ उनकी तरफ से दिख रही हैं। पढ़ाई, करियर, फाइनेंसेस उनका मेन फोकस हो सकता है,
और कहीं अभी इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, कुछ मंथ्स चाहते हैं अपने आप को फिर से मैं कहूँगी कि पहले जैसा करने के लिए या उन हर्ट एनर्जीज में से बाहर निकालने के लिए। और अब देखते हैं पाइल फोर की आपके पार्टनर का क्या नेक्स्ट मूव रहेगा, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे। और उसके लिए हमारे पास कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स रिवर्स। ये मैसेजेस मैं आपको अभी पढ़ के बताऊंगी। मिनी से हमारे पास है वुमेन, माइस एंड रिंग। तो बहुत ही क्लियर है इन कार्ड से पाइल फोर कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाहते हैं। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि उनको बहुत किसी चीज़ का बुरा लगा है, बहुत ज़्यादा वो हर्ट फील कर रहे हैं। और उनके कार्ड्स में हमने देखा भी कि कहीं वो बहुत एक इनसिक्योरिटी और फियर भी महसूस कर रहे हैं। तो कहीं किसी चीज़ को लेके बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं वो। और यहाँ पे पेज ऑफ सोच का कार्ड भी वही चीज़ बोल रहा है कि कहीं एक इरिटेशन है, कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है और कहीं इस रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस वो लाना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स भी यहाँ पे रिवर्स है, हो सकता है कि वो काफ़ी आपको मिस करते हों। यहाँ पे बिलीव इन अस का भी कार्ड है, तो हो सकता है अगेन आपको मिस करते हैं, वो चाहते हैं ये रिलेशनशिप रिवाइव हो, बट मुझे नहीं दिख रहा कि वो कोई भी एक्शन लेंगे। यहाँ पे माइस कार्ड भी मुझे कहता है कि उनको इस रिलेशनशिप के बारे में सोच के, इस रिलेशनशिप की करके काफ़ी हो सकता है कि एंग्जाइटी भी होती हो। जो भी चीज़ें उनको बुरी लगी हैं वो बहुत डीप रूटेड उनके माइंड में, उनके दिल में बस गई हैं। और यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी वही चीज़ बोल रहा है कि हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि आपने कहीं उनके साथ फेयर नहीं रहे, कहीं हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि आपने उनके साथ चीटिंग करी है। मैं ये नहीं कह रही पाइल फोर की आपने उनको चीट किया है, बट ऐसा उनको लग सकता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई कोई और भी उनके अलावा इस रिलेशनशिप में है, आपकी लाइफ में है, तो कहीं चीटेड फील कर रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन है और कहीं इसीलिए इस रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आना चाहते हैं। दो, मैं कहूंगी कि आपको मिस करते हैं और आपकी याद उनको आती है। और यहाँ पे लेट इट गो टू लेट इट इन का भी कार्ड वही चीज बोलता है, वो ऐसा सोचते हैं कि भाई इस रिलेशनशिप को जाने देना चाहिए। अगर वो अपनी लाइफ में एक सुकून, एक हैप्पीनेस, एक जॉय लाना चाहते हैं, यहाँ पे माई एक्शंस शो माई फीलिंग्स, तो कहीं हो सकता है कि उनको काफी गुस्सा है और वो अपने एक्शन से आपको बताएंगे कि भाई वो बुरा फील कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत हर्ट हैं। और कहीं अगेन मैं देखूं कि वो वापस आना चाहते हैं तो नहीं। और यहाँ पे रिंग का कार्ड मुझे कहता है कि उनको ऐसा लगता है कि एक पैटर्न है, हो सकता है पीछे कुछ पाइल फोर की लाइफ में 2-3 बार ये हुआ हो कि आप दोनों मिले हों और फिर एक डिस्टेंस आया हो, और उनको लगता है कि ये एक अब सर्कल बन गया है, एक साइकिल बन गया है जिसको वो तोड़ना चाहते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि नेक्स्ट मूव उनका मुझे नहीं दिख रहा है कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या वो इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं। तो ये थी पाइल फोर आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर आपको आपका आंसर मिला है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।